मारकुमुंडा प्रखंड क्षेत्र के लहरझोरी पहाड़ी में अचानक लीज धारक के द्वारा एक विस्फोट करने से दहला पूरा इलाका। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लहरझोरी पहाड़ी में लीज धारक द्वारा जोरदार विस्फोट करने से पूरा इलाका दहल उठा। सबसे अधिक क्षति देवघर जिला के सटे जामताड़ा जिला के पहाड़ी से सटे गांव फुकबंदी टोला तीन फेड़िया में निवास करने वाले दर्जनों आदिवासियों के घर को भारी क्षति पहुंची है। सूचना मिलते ही जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। कहा क्षति पहुंचे लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और लीज धारक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मारकुमुंडा का लीज है और ये जो क्षेत्र का जहाँ क्षति हुआ है वो हमारा एरिया है और मैं यहाँ का विधायक हूँ। जो क्षति है काफ़ी क्षति है, जान माल का लॉस नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही। और मैं कहना चाहता हूँ लॉकडाउन है और बड़े पैमाने पर लीज का दुरुपयोग किया गया है, माइनिंग खदान का दुरुपयोग किया गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब यदि आप किसी ब्लास्ट करते हैं तो पहले सूचना दिया जाता है गांव में और इसको पहले तो आप सुरक्षा के लिए घेरना पड़ता है, लोग कोई बाउंड्री वाल भी यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरा दुरुपयोग किया गया है। आदिवासियों का खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, इसको हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मैंने अभी डीसी से मेरी बात हुई, दोनों डीसी से मेरी बात हुई है और मैं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो दोषी है, जो भी इसका जो खदान का जो मालिक है उस पर कार्रवाई होगा। ग्रामीण से मैंने आग्रह किया है, ये लोग अपना लिख के दिया है, थाना भी दिया है, थाने वाले को भी मैं बुलाया हूँ और इस पर FIR भी होगा और खदान तभी चालू होगा जब गांव वाले की सहमति होगी, नहीं तो हम खदान नहीं चालू होने देंगे। दूसरी बात ये भी है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, इसके संबंध में बताइएगा। बिल्कुल गैर कानूनी है ही, आप दिखने में नहीं लग रहा है आपको क्या? मैंने कहा ना खदान का कुछ मापदंड होता है, पहले पानी की व्यवस्था करते हैं लोग, बाउंड्री वाल होता है, सुरक्षा के दृष्टि से कई मापदंड को ये लोग अपनाना पड़ता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल पत्थर फोड़ो ले जाओ और हड़िया पिलाओ आदिवासी लोग को, ये मैं किसी कीमत पर नहीं हूँ इनका, मैंने कह दिया है। और जिस प्रकार से जो घटना घटी, बहुत बड़ा घटना था, बाल बाल बच गया हमारा लोग, घटना हमारे एरिया में हुआ, मैं भागे भागे यहाँ आया हूँ, हमारे साथ रफीक साहब हैं,